एक समय की बात है, एक जंगल में एक शेर रहता था। शेर अपने स्वभाव के अनुसार ही शिकार करता था। एक दिन वो एक हिरन का शिकार कर रहा था। शिकार करते करते अचानक शेर के पैर में एक बड़ा कांटा चुभ गया और वो हिरन का पीछा नहीं कर पाया। बहुत कोशिश करने के बाद भी उसका कांटा नहीं निकला। वो चलने फिरने और दौड़ने में बिल्कुल असमर्थ हो गया। तब उसने सोचा, अब मेरे लिए शिकार करना तो संभव नहीं, क्योंकि मैं दौड़ तो पाऊंगा नहीं। क्यों ना किसी मरे हुए जानवर को ढूंढकर खाया जाए। ऐसा सोचकर शेर किसी मरे हुए जानवर की तलाश में जंगल में भटकने लगा। बहुत भटकने के बाद भी शेर को कोई मरा या घायल जानवर दिखाई नहीं दिया, जिसको खाकर वो अपनी भूख शांत कर सके। वो घिसटता घिसटता जंगल में इधर उधर भटकता रहा। बहुत देर भटकने के बाद शेर एक गुफा के पास पहुंचा। उसने उस गुफा का निरीक्षण करके ये अनुमान लगाया, हो न हो इसमें कोई जानवर जरूर रहता है, जो इस समय इस गुफा में नहीं है। क्यों ना मैं इस गुफा में छिपकर बैठ जाऊं और जब वो जानवर आएगा तो मैं उसे दबोच कर खा जाऊंगा। ऐसा सोचकर वो उस गुफा में जाकर छिप गया और उस गुफा में रहने वाले जानवर का इंतजार करने लगा। जिस गुफा में शेर अपने शिकार का इंतजार कर रहा था, उस गुफा में एक सियार रहता था। सूरज ढलने के बाद हर दिन की तरह आज भी सियार अपनी गुफा में आया, परंतु गुफा के बाहर किसी बड़े जीव के पैर के निशान देखकर उसने सोचा, कहीं इसमें कोई शिकारी जीव घात लगाए तो नहीं बैठा है। ऐसा सोचकर सियार ने तरकीब सोची और गुफा से कुछ दूर जाकर वो चीख कर बोला, गुफा ओ गुफा, गुफा ओ गुफा, तू बोलती क्यों नहीं? रोज तो मेरे आवाज देने पर तू मुझे बुलाती थी, पर आज क्यों नहीं बुला रही? मैंने तुझसे कहा था, जिस दिन तू मुझे नहीं बुलाएगी उस दिन मैं अंदर नहीं आऊंगा। तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ। शेर ने बहुत देर तक चुप बैठने के बाद सोचा कि शायद गुफा इसे बुलाती हो, इसलिए वह आवाज बदल कर बोला, कहाँ जा रहे हो सियार राजा? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। सियार शेर की आवाज पहचानता था। वो शेर की मूर्खता पर मुस्कुराकर वहाँ से चला गया और शेर वहीं बैठा बैठा भूखा प्यासा मर गया। शिक्षा, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि व्यक्ति को हमेशा सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि सतर्क व्यक्ति जीवन के हर संकट को भांपकर उससे आसानी से बच निकलता है।